हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत तिवारी अरण्या वेलनेस से। अभी मैं आप लोगों को नाभि जो है वो इधर उधर हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से लोगों को लूज मोशन हो जाने लगता है, पेट में दर्द होता है, मतलब चलने में भी दिक्कत होने लगती है, तमाम तरह की भी प्रॉब्लम होती है। ज़्यादातर एलोपैथ में इस चीज़ को डॉक्टर मानते नहीं हैं, लेकिन आयुर्वेदा में इन सब चीज़ों का बड़ा इम्पॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग बहुत दवा ले लेकर थक जाते हैं, फिर भी लूज मोशन उनका ठीक नहीं होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको फिक्स कर देते हैं तो इमिडिएटली उसमें आराम मिल जाता है। तो अगर किसी को नाभि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए क्या करना है कि अपने पाम के सेंटर में, बिल्कुल सेंटर वाले पॉइंट को प्रेशर पॉइंट्स इसमें देना है। दोनों हाथों में आप इनको सेंटर पॉइंट पर दीजिए, साथ ही साथ इंडेक्स फिंगर का जो पहला और आखिरी जॉइंट है उसके सेंटर में आपको प्रेशर पॉइंट देना है। तो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कर सकते हैं। ये सेम पॉइंट है आपको, जो सेंटर में इंडेक्स फिंगर में, यहाँ पर सबसे नीचे वाले पार्ट में जो मिडिल जॉइंट कट है और लास्ट जॉइंट कट के बीच वाला जो पोर्सन है, यहाँ पर प्रेशर पॉइंट, और आपको सेंटर में आपको प्रेशर पॉइंट में देना है। सेम पॉइंट बोथ हैंड और बोथ लेग में आप दे सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देखते रहिए, और जो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमारे इस वीडियो से रिलेटेड आपको जो भी ओपिनियन है वो ज़रूर साझा करें कि हाँ आपको कितना टाइम लगा, कितने दिन में ठीक हुआ। ये मानकर चलिए कि मैं 200% बोल सकता हूँ कि जो अगर आपने ऑनेस्टली अगर इसको यूज़ किया हुआ है तो आपको डेफिनेटली उसमें आपको रिलीफ मिलना ही मिलना है। तो इसलिए आप ऑनेस्टली इसको यूज़ करिए और कमेंट बॉक्स में आकर हमें इसका फीडबैक दीजिए। थैंक यू।